तो मैंने वहां से क्या क्या लिया वो आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। तो चलिए आ जाइए आप पास में थोड़ा, और यहाँ पे देखिए मैंने जो रिटर्न गिफ्ट के लिए लिए हैं वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, और जो मैंने पर्सनल चीज़ें लिए जैसे कि और डेकोरेशन के लिए और जो बड़े लोगों को कुछ देने के लिए और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें ली वो मैंने यहाँ पे नहीं रखी है। फिलहाल मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दिखाती हूँ। सो मैंने ये छोटे बच्चों के लिए ना ये काफ़ी क्यूट सा स्माइली वाला पिगी बैंक लिया है जो कुछ इस तरीके से है, बहुत क्यूट है, और ये नीचे से ओपन होता है तो आप इससे पैसे निकाल सकते हो और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा और बच्चों की मम्मियों को भी अच्छा लगेगा कि काम की चीज़ दी है। सो ये मैंने एक लिया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो इसका मैंने कुछ 40 सेट लिया है, पूरा 40 है। और ये मैंने देखिए ये मुझे एक बहुत अच्छा लगा था मार्केट में, ये देखिए ये इस तरीके से पैकिंग ऑलरेडी होकर आता है तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए काफ़ी क्यूट सा है, इसमें एक पंखी मिलेगी आपको, शार्पनर, इरेजर, स्केल और पेंसिल, और ये ऊपर से इन्होंने जो रिबन वगैरह लगाई है ना मुझे काफ़ी क्यूट लगा। आपको इसमें और दो तीन वैरायटी मिलेगी जैसे स्माइली का, आजकल बच्चे लोग नहीं ये लगा लेते हैं, यहाँ पे पिन आता है उसके पीछे वो भी मिलता है, और किसी में सीटी, किसी में छोटी सी कार और किसी में पेंसिल और ये पंखी। तो मैंने ये पंखी वाला पसंद किया बिकॉज मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, तो उसका बर्थडे है तो उसकी चॉइस की चीज़ें ही लोगों को मिले, ऐसा ही मैं ट्राई की रखने का। सो यहाँ पे देखिए इसके भी मैंने कुछ 40 वाले सेट लिए हैं जैसे कि सबको देने के लिए हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ये क्यूट क्यूट हमारे इसमें ना बेबी गर्ल लोग भी रहेंगे काफ़ी, तो मैंने उनके लिए ये पूरा ये सेट लिया हुआ है। तो एक एक आप इसको निकाल के हर एक बच्चे के थैली में डाल सकते हो, तो आपके यहाँ पे जैसे मतलब अपने लिस्ट बना लो सबसे पहली बात तो कि कितनी लड़कियाँ आ रही हैं और कितने लड़के आ रहे हैं, तो ये मैंने लिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैंने लिया है ये कैंडी जो कुछ इस तरीके की है, आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, ये मैंने कैंडी का बैग लिया था, ये अभी ओपन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये देखिए सिंगल सिंगल रहता है और इस तरीके की इसमें जेली रहती है काफ़ी बड़ी, तो ये तो चलिए ओपन करके ही दिखा देती हूँ क्योंकि ये सिंगल सिंगल पैकिंग में ही रहता है और अभी कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे का बर्थडे है। तो ये देखिए ये इस तरीके से रहता है, काफ़ी क्यूट लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद खा लेती हूँ ये दो तीन, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने एक ले लिया था पैकेट, इसमें काफ़ी ढेर सारा आ जाता है तो सब में एक एक आप डाल सकते हो। फिर मैंने ये छोटू सा ना ये देखिए ये नज़र बट्टू जो हम पैर में लेडीज़ लोग पहनते हैं ये मैंने कुछ वहाँ से लिया, और आपको बताऊँ 12 है ये इसमें पीसेस और मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में मिला है, और नॉर्मल हम अगर शॉप से ख़रीदते हैं तो 10 रुपये का एक मिलता है, सोच सकते हो। ये देखिए और ये मैंने एक लिया है, देखिए ये मतलब ये गर्ल्स लोग के लिए पूरा ये सेट, बट ये अनुश्री ने ही ले लिया है अपने लिए, मैंने तो अब छोड़ दिया है। चलिए ये देखिए और एक मैंने रिटर्न गिफ्ट में सामान लिया है, वो है टिफ़िन। तो टिफ़िन यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे देखिए दिखाइए टिफ़िन, यहाँ पे टिफ़िन का भी मैंने ऐसे 40 सेट लिए हुए हैं, तो मतलब मेरे यहाँ पे जो टोटल बच्चे आने वाले हैं वो कुछ 25-28 हो रहे हैं, पर मैंने एक्स्ट्रा रखा है, कभी कभी बच्चे जो है वो आ जाते हैं किसी किसी के साथ में एक दो लोग एक्स्ट्रा, तो कम नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखते हुए लिया है। आइए मैं आपको टिफ़िन ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये टिफ़िन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, मेरी सिस्टर भी गई हुई थी मेरे साथ जो आपने वीडियो में देखा होगा, ये देखिए ये इसमें आपको एक आप ऐसे रस्से की भाजी भी दे सकते हो इस तरीके से इसमें, और इसके साथ ही आपको इस तरीके के दो स्पून मिल जाते हैं, एक फोक और ये स्पून, काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मैंने कहा ऐसा गिफ्ट दो जो बच्चे यूज़ करें, तो ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा तो ये मैंने ले लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने ना ये ढेर सारा बंडल ही ले लिया है गिफ्ट पैकिंग करने के लिए, क्योंकि फिर आपको वापस से यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़े, तो इस तरीके से मैंने देखिए दो दो अलग अलग दो तीन कलर के ले लिए हैं गिफ्ट रैपर ये सारे, और ये भी काफ़ी मतलब यूज में आएगा, काफ़ी अच्छा है। फिर मैंने ये लिया है बर्थडे के लिए गन जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसमें सच बताऊँ इसमें लाइट भी आती है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। और इसके साथ मैंने आपको बताती हूँ मैंने स्पेशल क्या लाया है, और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है। इसके साथ मैंने इसका जो रील होता है ना जो कहते हैं क्या बॉम्ब रील जो भी आप कह लो, तो वो देखिए मैंने क्या लाया है आपको दिखाती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग।
ये देखिए, ये मैंने लाया है मेरे बेटे के बर्थडे के लिए। तो ये 36 सेकेंड कुछ जलता है और 36 सेकेंड में ही आप मतलब फोटो वीडियो जितना मन करे आप खींच लीजिए। तो ये हम 2-3 तो एटलीस्ट उस दिन चला देंगे बच्चे के बर्थडे के दिन। फिर मैंने लिया अपने हस्बैंड के लिए, बिकॉज होली आ रही थी तो मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ, ये जो कि उनको बहुत अच्छा लगा। ये इसमें से आपका जो कलर है वो निकलेगा इसमें से, तो ये भी मैंने लिया उनके लिए और उनको बहुत अच्छा लगा। सो होली का त्यौहार हमें बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ले लिया था। सो ये रहा, और जो बर्थडे डेकोरेशन के लिए मैंने क्या क्या लिया है वो आपको बर्थडे वीडियो में, बर्थडे ब्लॉग में ही देखने मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दे के अपना प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।